Hello everyone, welcome to my channel Steady Tension, and in this video we are going to start with exercise 8.1 of chapter trigonometry of class 10 maths. So basically first jo part hai iska इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. सो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो देन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में हम क्या किन क्वेश्चन से और कैसे डील करने वाले हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट पी. तो हमारे पास जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करेंगे ठीक है. सो जब ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेना है. सो वी आर टेकिंग ट्राइंगल ए बी सी जो कि राइट एंगल्ड है एट बी ठीक है. सो ये हम एंगल बी ले लेते हैं. एंड देखो अब हमें ए बी सी लेना है तो मैं यहाँ पर ए ले रही हूँ, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी. एंड ये मैंने ले लिया सी, ए बी सी ट्राइंगल आ गया. अब हमें बताया कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ये ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी है 7 सेंटीमीटर. एंड हमें बताना है वी हैव टू डिटरमाइन दैट साइन ए कॉस ए एंड सेकेंड पार्ट में साइन सी एंड कॉस सी. तो देखो ये हमारा जो एंगल है ना, ये वाला एंगल ठीक है, एंगल ए. अभी हमें इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है साइन ए एंड कॉस ए. तो इसे हम बेस पे लेंगे, जिस एंगल को भी हमें यूज करना है तो उसे हम बेस पे लेते हैं. सो अगर ए की बात हो रही है तो हम अभी करते हैं. बट यहाँ पर अगर आप देखो तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है एंड ये हाइपोटेन्यूज है. बट हमारे पास अभी हाइपोटेन्यूज का मेजर नहीं है. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स को फाइंड कर सकते हैं. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर है 7 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 24. सो 24 स्क्वायर. सो यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 24 का होता है 576. तो इसको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 625, यानी कि हमारे पास एच स्क्वायर 625 है. तो एच क्या आ जाएगा, रूट 625 जो कि होता है 25. सो हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया हाइपोटेन्यूज. एंड नाउ वी कैन कंटिन्यू विद द फर्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन ए. अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, देखो पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो इसमें जो ये पार्ट होता है ये होता है साइन, पी अपॉन एच, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, ये होता है कॉसिक ठीक है, ये होता है हमारे पास ये होता है कॉट, एंड देन ये होता है, ये हमारे पास होता है सेक ठीक है. सो हमें साइन ए फाइंड करना है. सो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी. सो बी सी क्या है 7 एंड ए सी क्या है 25. सो हमने साइन ए फाइंड कर लिया. नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस ए. सो कॉस क्या होता है हमारे पास, बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस है ए बी एंड हाइपोटेन्यूज है ए सी. सो ए बी इज 24 एंड ए सी इज 25. सो 24 अपॉन 25. नाउ सेकेंड पार्ट में हमें साइन सी फाइंड करना है एंड कॉस सी फाइंड करना है. इट मीन्स यहाँ पर होना चाहिए सी एंड यहाँ पर होना चाहिए ए. बट अगर आपको न्यू फिगर नहीं बनाना है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, स्लांटिंग वाली होती है हाइपोटेन्यूज, एंड जो बच गई साइड होती है वो होती है बेस. सो एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी होगी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ए सी रहेगा एंड बेस हो जाएगा बी सी. सो हमें फाइंड करना है साइन सी. सो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर मैंने बताया ए बी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ए सी रहेगा. सो ए बी अपॉन ए सी यानी कि 24 अपॉन 25. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कॉस सी. सो कॉस सी हमारे पास कॉस का है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो यहाँ पर बेस क्या हमारे पास है, बेस है बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी. सो यहाँ पर बी सी की वैल्यू है 7 एंड ए सी है हमारे पास 25. सो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1. एंड
Thank you for watching this video. In the next video, we are going to solve some more questions. So do watch those videos, and I'll see you all in those videos.